अरे यहाँ पे तो लो गड्ढे के अंदर चलते हमको क्या, हमको तो बस मचाने के लिए चाहिए, क्या बोलते हैं। तो भाई ये रहा मेरा मॉन्स्टर हेलमेट गाइस। सो बूम बूम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। सो भाई आज है संडे और ऑलमोस्ट बजे कुछ 6 या 6:30 बजे होंगे। तो आज मैं आया हूँ ट्रैक पे, नॉट परफेक्ट ट्रैक, लेकिन क्या भाई गांव का लोकल ट्रैक है ये। सो वहाँ पे आया हूँ अपनी आरएस को भगाने इस ट्रैक पे। तो आप एक बार यहाँ का नज़ारा देख लीजिए। तो भाई कैसा लगा आपको नज़ारा। भाई ये पूरा ट्रैक है यहाँ पे, जहाँ पे तक हम लोग घूम सकते हैं। अभी मैं ट्रैक करूँगा, लेकिन उससे पहले भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा, भाई आप जब भी ट्रैक मशीन जा रहे हो या फिर ट्रैक पे चला रहे हो, भाई सेफ्टी मैटर्स करो। कभी भी अपनी सेफ्टी में मैटर करना पड़ता है भाई। सो मैं अच्छे वाले ग्लव्स भी यूज़ कर रहा हूँ और अपने नी इसके लिए अपना सेफ्टी गार्ड भी यूज़ कर रहा हूँ। सो अभी मैं दिखाता हूँ मैंने अपनी आरएस पे क्या क्या चेंजेस कराए। तो भाई यहाँ पे मैंने लगाए हैं एंजल लाइट्स, यू कैन सी दैट, और मैंने ये इंडिकेटर लगाया विथ हज़र इंडिकेटर्स। तो भाई इसकी बहुत ज़रूरत थी मुझे, तो मैंने अपने गाड़ी के चारों इंडिकेटर मैंने चेंज किए थे। सो बहुत अच्छी लुक दे रही है अभी मेरे को, खासकर जो ये इंडिकेटर्स है ना वो मेरे को बहुत सही लग रहे हैं यार, ओपी लग रहे हैं, ओपी बहुत सही लग रहा है। और भाई सभी मुझे पूछ रहे थे भाई आप कौन सा हेलमेट यूज़ कर रहे हो, जो भाई क्या बोलते हैं ना पुलिस वाले आपको रोक के पूछ रहे हैं भाई कौन सा हेलमेट यूज़ कर रहे हो आप, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। सो भाई ये रहा मेरा मॉन्स्टर हेलमेट गाइस। सो भाई आप देख सकते हैं यार, इसके लिए भाई मेरे को सारे पुलिस वाले रोक के पूछते हैं। और यहाँ पे मैं अपना GoPro 9 भी लगाता हूँ कुछ शूट करने के लिए। सो भाई फाइनली मैंने मेरे चैनल पे मेरे हेलमेट का फेस रिव्यू कर चुका हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस हेलमेट। भाई ये सभी कस्टम में मैंने ही किया है, कुछ बाहर से नहीं आया है, ये स्टड का हेलमेट है सिर्फ 2000 रुपये का, लेकिन मैंने इसको 20,000 का हेलमेट बना दिया है, वन इन इंडिया। भाई ये इंडिया में एक ही है और मेरे पास ही है। I'm holding on for you to come around. So guys, अभी मैं निकल रहा हूँ ट्रैक के लिए। चलो गाइस आपको दिखाता हूँ यहाँ का ट्रैक कैसा है, आप भी देख के एंजॉयमेंट कीजिए। ನಾನು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ಪಕ್ಕ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಪಕ್ಕ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಅರೆ ರಸ್ತೆ ಬದಲ ಅರೆ ಭಾರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಹಲೆ ವಾಂ ತಕ್ ಯಾರ ಲೇಕಿನ್ ಯಾರ ಇನ್ ಲೋಗೋ ನಾ ಪೂರ ಖತಮ್ ಕರ್ ದಿಯಾ ಯಾರ ಅಭಿ ತೋ थोड़ी ना।
ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು ಹಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊ ಆ ಸೈಡ್ ಇದೇ ತಾನು ಮಸ್ತ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಅಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಇತ್ತು ತಾನೆ ಹಾ ಇವಾಗ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ओहो भाई ओहो भाई पूरा निकाल दिया यार रास्ता कहाँ से जाए पता भी नहीं है घूम फिर के वहीं पे वापस लेकिन ट्रैक पूरा खत्म अभी तो भाई अभी फुल ऑफ रोडिंग हो रही है भाई साहब भाई अरे इसको पूरा क्या बोलते हैं ना ट्यूरिंग पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ यार ओ भाई सही है सही है भाई मेरा दोस्त नहीं दिखाई दे रहा है यार कहाँ गया ये ऑफ रोडिंग बहुत सही हो जहाँ मर्जी है वहाँ चला रहा हूँ यार गाड़ी में आरएस को ट्यूरिंग वर्जन समझ रहा हूँ और भाई यहाँ पे छोटे छोटे ग्लास के टुकड़े हैं जो बियर बॉटल के होते हैं ना उसके टुकड़े हैं तो भाई समझ के कहीं गाड़ी के टायर के अंदर ना चले जाए यार यहाँ पे दोस्त हमारी फ़ोटोशूट में लगा हुआ है कैसा आया फोटोज नहीं आया अच्छा चलो गाइस मिलता हूँ आपको एक और राउंड की तरह तो भाई मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 महीने के बाद आया था और भाई ऑलमोस्ट ट्रैक ख़त्म है यार यहाँ पे कुछ देखो बड़े बड़े गड्ढे करते हैं यार यहाँ पे तो लो गड्ढे के अंदर चलते हमको क्या हमको तो बस मचाने के लिए चाहिए क्या बोल ओ ओ भाई ओ हो बंद हो गया अपनी
तुमने रिस्क दो भाई, किसी भी चीज के लिए रिस्क मत लो, अगर हो सके तो करो वरना मत करो भाई, रिस्क कभी भी ना लो लाइफ में। हाँ थोड़ा बहुत रिस्क तो ले लो यार, उसके लिए कोई मना नहीं करेगा आपको, लेकिन ज़्यादा रिस्क सेहत के लिए हानिकारक होता है आपको, तो ज़्यादा रिस्क ना लीजिए कभी भी। सनराइज हो रहा है वहाँ पे अच्छे से, ब्यूटीफुल। यहाँ पे पूरा ऑफ रोडिंग का माहौल बन चुका है यार, बहुत सही व्यू है। रश की हालत देखते हैं भाई, लक तो सही रही है यार अपनी ब्यूटी भाई, बहुत सही भागती है यार, बहुत सही भागती है ये भाई। ये गाड़ी जो है ना हाईवे के लिए बेस्ट है, मतलब बेस्ट नहीं बोलूँगा मैं, जहाँ जब तक मैं चलाता हूँ भाई मेरे लिए तो बेस्ट गाड़ी है ये। और आज ऑफ रोडिंग में भी चेक कर लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं आती यार, बिल्कुल कंफर्टेबल बाइक है यार। अगर आप लोग कोई 200 सीसी की गाड़ी लेना चाहते हो और आपका बजट 1.2 के अंदर है तो भाई RS इज बेस्ट मैन, बहुत सही है, बहुत पावर भी देती है और ऑफ रोडिंग के लिए आपने देखा है यार क्या मचा रहा हूँ मैं, बहुत सही वाला RS के ऊपर। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, अभी दोस्त हमारा फ़ोटोशूट करेगा, क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा तो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। और वहाँ पे देखो सनराइज हो रहा है, जल्दी 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 जल्दी, चलो मिलता हूँ। कोरोना इवागे ले। सो भाई अभी निकल रहे हैं हम लोग, ये जाके आया था एक ट्रैक मार के आया, तो अभी मैं चल रहा हूँ, जाते जाते एक और ट्रैक मारेंगे। तो भाई सेफ्टी पहले यार, सेफ्टी चाहिए। सो भाई कैसा लगा यार आपको ये वीडियो? भाई अभी क्लोज नहीं कर रहा हूँ, रुको रुको रुको, जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ रुको रुको, लेकिन भाई कैसा लगा आपको ये ट्रैक? दे भाई ये लोकल ट्रैक है, आई होप यू लाइक। भाई अच्छा लगा तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए यार, उसका पैसा नहीं लगता है भाई, फ्री है उसमें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जाते जाते ये ट्रैक तो कुछ है ही नहीं यार, सब कुछ ख़त्म कर दिया यहाँ पे, बस ऑफ रोडिंग जैसा मज़ा ले सकते हैं हम, लेकिन RS के ऊपर ऑफ रोडिंग का मज़ा तो ले लिया यार पूरी तरह से भाई। जितनी कंफर्टेबल RS है ना, बहुत सही है, बहुत सही है मेरे लिए। बहुत सही वाला कॉन्फिडेंस देती है जब चलाता हूँ RS को, बहुत सही वाला मज़ा देती है।
से उस खड्डे के अंदर चलते हैं ना ब्रो, बचाते हैं ना ब्रो। खड्डा चलते हैं अंदर भाई, ज्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन तो भाई अभी निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं घर की तरफ। देखो यार कहाँ कहाँ से निकाल रहा हूँ मैं अपनी यार इसको भाई, इसको मैं परफेक्ट से टूरिंग मशीन समझ लेता हूँ यार, ऑफ रोडिंग व्हीकल भाई है ही इतनी कंफर्टेबल, तो यार क्यों ना समझूँ यार, मैं क्यों ना समझूँ भाई, बहुत सही वाली फीलिंग देती है। ऐसा लगता है भाई मैं कोई ऑफ रोडिंग व्हीकल ही यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा लगता ही नहीं यार कोई क्या बोलते हैं ना वो है तो यार ट्रैक मशीन, लेकिन मैं मेरे को लगता नहीं ऑफ रोडिंग के लिए बेस्ट है यार, जहाँ तक मुझे लगता है। आपको आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे लिए समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना ये भाई, ट्रैक के लिए भी ओके है और ऑफ रोडिंग के लिए भी भाई मेरे लिए बेस्ट है, मेरे को दोनों में भी बहुत कंफर्टेबल है यहाँ पे। तो इस जगह का नाम बता देता हूँ आपको मैं, ये मैं क्या बोलते हैं यार, नाम भूल गया यार इसका, मैं नाम ही याद नहीं आ रहा, अगर याद आता है तो बता देता हूँ आपको। तो मैंने तो भाई आपको ग्लव्स और क्या बोलते ना नी गार्ड की कोई डिटेल्स चाहिए तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आ रहा होगा या फिर यहाँ पे कुछ पेज शो हो रहा होगा तो वहाँ से मेरे को फॉलो कर लो। और यहाँ पे कोई किसी ने रोकता हो तो क्या होगा, till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on. इस बार का कंटेंट कैसा लगा आपको?
गाइस यहाँ पे चाय चल रही है हमारी, 100 रुपये तक चाय ब्रेक के लिए। वहाँ पे खड़ी अपनी गाड़ी और ये हम, और यहाँ पे टी हो रही है टी हो रही है, पार्टी नहीं टी हो रही है। सो भाई कैसा लगा मेरा 10K व्यू होने के बाद? सुपर अच्छा लगा, इतना बहुत मजदूरी से मिला है मजदूरी से भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार, जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, बहुत सही यार, बहुत सही वाला क्या बोलते ना, अमेजिंग फील था। 10K व्यू फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पे ऊपर आया। उतते हैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, चलो मिलता हूँ अपनी गाड़ी पे। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं चाय पी के। बुरा मत मानना, अगर मैंने स्टार्टिंग में कुछ गलती की है तो भाई मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, नर्वस था यार, तो भाई उसके लिए सॉरी यार, थोड़ा बहुत चलता है ना यार, फर्स्ट वीडियो था मेरा मतलब फेस कैम के साथ, तो थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं ना होता है ना यार, तो कुछ नहीं भाई, बुरा मत मानना। इतना ही है यार आप लोगों के लिए, तो भाई अच्छा लगा, आपको खुशी मिली ब्लॉग देखने में, राइड देखने में, तो भाई एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना यार, कमेंट से दिल खुश हो जाता है मेरा। तो भाई मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो थोड़ी स्पेशल आने वाली है, होली होली, और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। तो भाई होली में जा रहा बनावट एंजॉय करना है और देव एंजॉय करना, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, होली वाले ब्लॉग में। अगर होली अच्छी जाएगी तो मैं ब्लॉग ज़रूर करूँगा। तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच टू सपोर्टिंग मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट टिल देन। जिस वीडियो आप जिस चैनल पे देख रहे हो वहीं पे नीचे रेड कलर का बेल आइकन रहेगा, सब्सक्राइब रेड कलर का बटन रहेगा बिल्कुल इसकी शर्ट की तरह, तो दबा देना, मज़ा आ जाएगा आपको भी और मुझे भी। चलो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।